मेवात जिले के गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर भादस गांव के समीप बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। नगीना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा भेज दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने हादसे के बाद सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर जाम खुलवाया। भीड़ ने डंपर चालक को भी मौके पर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार मुबीन पुत्र मम्मन निवासी सहापुर नंगली अपनी बाइक से नुह से फिरोजपुर छिरका की तरफ किसी काम से जा रहा था। जब वह भादस गांव के समीप पहुंचा तो तेज रफ्तार से सामने से आ रहे डंपर ने चोरता टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हादसे में बाइक में भी भारी नुकसान बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं नुह से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये मृतक गांव नंगली का है, मेरा ही गांव का है। नूह में ये कपड़ा की दुकान करता था और ये वहाँ से नूह से गांव नंगली के लिए आ रहा था। वो गांव बीच में पड़ता है, गांव भादस बड़कली के पास नगीना थाना में, जो वहाँ पे ये नूह साइड से आ रहा था और डंपर जा रहा था फिरोजपुर साइड से। तो डंपर तेजी में लापरवाही से चला रहा था, जो वो वहाँ पे मौके पे जो गांव वालों ने बताया था, तो डंपर ने इसमें सीधी टक्कर मारी और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। नहीं जी, शादी समारोह ये नंगली आ रहा था, पहले नंगली से शादी समारोह में जाना था इसको, राजस्थान में कोई लड़की की शादी थी वहाँ जाना था। मेरा नाम मोहम्मद कयूम है और गांव से मेरा चाचा लगता है। इसने नोह में कपड़ों की दुकान कर रखी है। नोह से फिरोजपुर झिरका नंगली गाँव के लिए आ रहा था और नंगली गाँव से बुर्जा गांव में एक लड़की की शादी है, वहाँ इसको जाना था। और ये नोहो साइड से फिरोजपुर झिरका की साइड आ रहा था। उस टाइम भादस गांव में एक्सीडेंट हुआ था इसका और डंपर लापरवाही से तेज़ गति से आ रहा था, इसको सीधी उसने टक्कर मारी। उसी मौके पे इसकी मौत हो गई। और वहाँ पर कितनी भारी भीड़ थी, गुस्साए ग्रामीणों ने क्या कोई जाम बाम लगाया वहाँ पर? जी, वहाँ गांव वालों ने, भादस के गांव वाले थे, उन्होंने मौके पर इसको रोड पे वहीं रखा और जाम लगाकर डंपर को भागने नहीं दिया, वहीं मौके पर उसको रोक लिया और पुलिस को इतला दी। नगीना थाने में पुलिस वहीं मौके पर पहुँची, उसके बाद इसे यहाँ मांडीखेड़ा लाया गया। अब यहाँ मांडीखेड़ा पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। चौड़ीकरण का मसला है, इसका 4-5 साल से आवाज़ उठ रही है लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं जो, वो भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं उनका भी। अब किस तो घटना घटी, क्या वजह? ये रोड की वजह से, अगर 4-लाइन रोड हो जाए तो घटना ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।